अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, शहज़ाद अहमद के यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद। आज हम बात करेंगे सीवी के बारे में, क्योंकि सीवी की जो लोग सीए कर रहे हैं कैफ के बाद उन्हें फौरन फॉर्म में जाना होता है और बिग फोर या बिग फाइव का जहन में होता है, इसलिए वो सीवी पे ही डिसअप्रूवल मिल जाता है, रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि सीवी ही काम की नहीं होती। इसी तरह कुछ लोग प्रोफेशनल लाइफ में काम कर रहे हैं, फॉरेन काम कर रहे हैं, गल्फ में काम कर रहे हैं, और इसी तरह मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होता है और वो बाज़ दफ़ा किसी बहुत बिग अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं सीवी की वजह से। याद रखें, आप बाद में अपने आप को प्रेजेंट करने जाएंगे इंटरव्यू में, सीवी आपकी पहले जाएगी, और सीवी से ही काफ़ी चीज़ें आपकी रीड हो जाएंगी। इंटरव्यूज़ काफ़ी करने वाले काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं और वो सीवी से ही काफ़ी चीज़ें रीड कर लेते हैं। ठीक हो गया, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, छोटे छोटे एरर्स होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इग्नोर हो जाती हैं, बट उनसे इंसान की अपनी पर्सनैलिटी का पता चल जाता है और फिर इंटरव्यू कॉल नहीं आती। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे एक हाई प्रोफेशनल सीवी बनानी है, और आज हम बात करेंगे कि 6 बिग बैड्स जो हम करते हैं और हमें नहीं करने। याद रखिएगा, आज की वीडियो सिर्फ डोंट्स पे मुश्तमिल है कि क्या क्या चीज़ें हम करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले बात, ये मैंने पेज इसलिए पकड़ा है कि मेरी वीडियो ट्रैक पर रह सके और आपका कीमती वक्त सही मानों में यूज़ हो सके। सबसे पहली बात जो करनी है वो है कि सीवी हम करते क्या है। आम तौर पे सीधे गूगल पे गए, डाउनलोड किया, उसमें चेंजेस किए और सीवी तैयार। तो सबसे पहला जो डोंट है वो ये है कि आपने गूगल से या कहीं से भी कोई सीवी कॉपी नहीं करनी, उठानी नहीं। उठानी से मुराद ये अनरिलायबल सोर्सेज हैं। देखिए, गूगल पे हर वेबसाइट, हर चीज़ रिलायबल नहीं है, ठीक है। या तो बहुत अच्छी फर्म हो, बहुत अच्छी कंपनी हो उसके पीछे, उस वेबसाइट के पीछे, तो फिर आप उसमें से चीज़ें उठाएं तो ओके फाइन, लेकिन आप ऐसे ही रैंडमली आप उठा लेते हैं सीवी और फिर काम ख़राब हो जाता है। ठीक हो गया जी, तो सबसे पहला डोंट क्या है, गूगल से आपने सीवी डाउनलोड नहीं करनी। यहाँ पे जनाब ये इसीलिए पकड़ा हो, यहाँ पे ये पहला पॉइंट यही है कि आपने कॉपी नहीं करना है, क्योंकि जब आप कॉपी करेंगे तो उसमें जो बड़ा मसला आएगा सीवी के अंदर वो होगा ऑब्जेक्टिव। जी हाँ, बड़ा खूबसूरत सा मुश्किल सा ऑब्जेक्टिव लिखा होगा ऊपर, और जब आप उस ऑब्जेक्टिव को वैसे ही कॉपी पेस्ट करेंगे तो इंटरव्यू में जाएंगे, अगर खुदा न खास्ता कॉल आ गई तो उसमें जो मुश्किल वर्ड्स होंगे इंग्लिश के, इंटरव्यूअर्स ज़रा सा भी ट्रेंड हुआ, जो कि होते हैं क्योंकि हाई ऑफिशियल्स होते हैं, सीनियर मैनेजमेंट में रहते हैं वो, तो वो उसी ऑब्जेक्टिव के अंदर से एक या दो मीनिंग्स आपसे पूछ लेगा इंग्लिश के। तो चूंकि हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके आगे चलने वाले इंटरव्यू पर होगा। वो इसलिए होगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, और चूँकि पहले ही आप जवाब नहीं दे पाए, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल बुरी तरह हिट हो जाएगी। तो इसलिए मैं मना करता हूँ कि वहाँ बड़े खूबसूरत से डिफरेंट फॉन्ट और डिफरेंट एंगल से डिफरेंट स्टाइल से बनाए गए होते हैं। सिंपलिसिटी इज़ द की, रिमेंबर, हमें याद रखना है कि सिंपल रखनी है हर चीज़। तो दो बातें मैंने अभी तक बताई हैं, नंबर एक डाउनलोड नहीं करनी, और ऑब्जेक्टिव का ख़ास ख्याल रखना है, ऑब्जेक्टिव भी खुद लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो बड़ा ब्लंडर हम करते हैं, देखें लाइफ में अचीवमेंट्स होती हैं, मुख्तलिफ़ शोबों में आप काम कर चुके होते हैं, मुख्तलिफ फर्म्स में आप काम कर चुके होते हैं, सीए में आपकी कैफ वन गो में कर जाना भी बड़ी बात है कि आप वन गो में कैफ कर गए, ये भी एक अचीवमेंट समझी जाती है। आपका कोई मेरिट सर्टिफिकेट है, आपका कोई गोल्ड मेडल है, ये भी अचीवमेंट्स है। और अगर आप प्रोफेशनली ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आपके पास डिफरेंट अचीवमेंट्स होती हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर आपने काम किया होता है, और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करने के दौरान आपको डिफरेंट ईमेल्स, डिफरेंट सर्टिफिकेट्स, डिफरेंट अवार्ड्स मिले होते हैं। तो हम अपनी अचीवमेंट्स लिखना चाह रहे होते हैं और लिखनी भी चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन हम करते क्या हैं कि हम जब अपनी अचीवमेंट्स लिखते हैं तो उनको या तो बोल्ड करने की कोशिश करते हैं पैराग्राफ में जब हम लिख रहे होते हैं, या फिर उन्हें कैप्स ऑन कर लेते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं, या फिर उनके इर्द गिर्द पैरेंथेसिस लाइन, यानी कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे पैराग्राफ में वो चीज़ नुमाया हो कि हाँ देखो ये मैंने किया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ऐसा करते हैं,
सपोज आपने कोई अचीवमेंट अपनी बोल्ड कर ली, तो बोल्ड का मतलब होता है या कैप्स का मतलब होता है यू आर शाउटिंग एट द रीडर, चीख चीख के आप बता रहे हैं देखो मैंने ये किया, नेवर एवर डू दिस। ठीक हो गया। उसके बाद जनाब तीसरा है कि हम पैरेंथेसिस में लिखते हैं, पैरेंथेसिस से मुराद ब्रैकेट्स, अवॉइड करनी है जितनी ब्रैकेट्स आप अवॉइड कर सके, खासतौर पे अचीवमेंट्स में पैराग्राफ में ब्रैकेट्स ना लगाएं। ठीक है, इसे सिंपल रखें, मैं पहले बता चुका हूँ सिंपलिसिटी इज़ द की। फिर स्पेलिंग्स, हम सॉफ्टवेयर पे बहुत भरोसा करते हैं, तो अमूमन हम ये समझते हैं कि MS Word में हमने CV चूँकि कॉपी पेस्ट की है, तो अगर कोई चीज़ होती, कोई चीज़ ख़राब होती स्पेलिंग्स में, तो वो अंडरलाइन कर देता, बाज़ दफ़ा नहीं भी करता, बड़े सारे मिल जाएंगे आपको ये केसेस, हम उसको डिटेल में पढ़ते नहीं हैं और स्पेलिंग एरर्स आगे चली जाती हैं। ठीक हो गया। तो याद रखें स्पेलिंग एरर्स का मतलब बहुत बड़ा है। पहला मतलब ये है कि आप सीरियस नहीं हैं अपनी जॉब्स के बारे में, बस ऐसे ही अप्लाई कर दिया CV में अगर है तो। दूसरा इसका मतलब ये है स्पेलिंग एरर्स का कि आपको जॉब की ज़रूरत ही नहीं है। और तीसरा मतलब यह है कि यू डोंट पे अटेंशन टू द डिटेल्स, आप डिटेल्स को तवज्जो से देखते ही नहीं हैं, केयरलेस है। तो मुझे बताएं इन तीन कैटेगरीज में अगर आप फॉल कर रहे हैं, आपकी CV बता रही है कि आप फॉल कर रहे हैं, तो कोई हायर करेगा, आप हायर करेंगे किसी को, करना चाहिए। देखें केयरलेस पर्सन को क्यों हायर करेगा कोई, एक ऐसा बंदा जिसकी ज़रूरत नहीं है वो 4-6 महीने बाद छोड़ के चला जाएगा, क्यों हायर करेगा कोई। और ऐसा बंदा जिसने बस इग्नोरेंस है, जिसमें इग्नोर कर दिया उसने हर चीज़ को और ऐसे ही अप्लाई कर दिया, बस ज़रूरत ही नहीं है जॉब की। तो ये चीज़ें हैं छोटी छोटी जिनको आपने ध्यान से देखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने लिखा हुआ यहाँ पे वो है जनाब कलरफुल पेजेस। बड़े अच्छे लगते हैं आपको कलरफुल पेजेस, है ना, पिंक येलो ब्लू और पता नहीं सो ऑन, नेवर एवर डू दिस। ये भी डोंट्स में है। CV का पेज क्या होना चाहिए ये कल, आज ये है कि क्या नहीं होना चाहिए। कोई कलर पेज यूज़ नहीं करेंगे, उसे सिंपल रखेंगे। फिर हम पिक्चर लगाते हैं बड़े खुश हो के, खूबसूरत सी पिक्चर बनवाते भी हैं बाकायदा। तो याद रखें अगर तो आप मुकाबला हुस्न में शिरकत करने जा रहे हैं या TV शोज़ के लिए अपने आप को अप्लाई कर रहे हैं, ड्रामे के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फिर मैं रिकमेंड करूँगा कि जनाब CV ही क्यों, फिर साथ वीडियोज़ भी भेजें, ऑडियो भी भेजें कि देखें मेरी आवाज़ कितनी अच्छी है, देखें मेरी जो वीडियो है वो कितनी अच्छी आती है। तो अगर आप बिज़नेस लाइन में हैं और बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाह रहे हैं और उसमें आपने प्रोफेशनलिज्म शो करना है, तो फिर आपकी पिक्चर CV पे नहीं होनी चाहिए। इंटरव्यू में वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी खूबसूरती और आपकी कम्युनिकेशन स्किल चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये आज के बड़े बैड से जो हमने अवॉइड करने होते हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ एंड पे। नंबर 1, हमने कॉपी पेस्ट नहीं करना गूगल से, फॉर्मेट बिल्कुल नहीं, फॉर्मेट बड़े अजीब से होते हैं। नंबर 2, अपनी अचीवमेंट्स को कैप्स में नहीं बताना, अपनी अचीवमेंट को बोल्ड नहीं करना, अंडरलाइन नहीं करना, पैरेंथेसिस में नहीं लिखना। ठीक है। नंबर 3, हमने स्पेलिंग एरर 100% चेक करनी है, बेहतर ये होता है कि किसी दूसरे को चेक करवा लें। ठीक हो गया, क्योंकि आप जो स्पेलिंग गलत लिखेंगे पढ़ेंगे भी गलत उसे एडिटिंग करते हुए। फिर हमने देखना है कि हमने पिक्चर नहीं लगानी, ठीक है, पिक्चर को अवॉइड करना है 100%। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव कॉपी पेस्ट नहीं करना, और अगर आपने ऑब्जेक्टिव खुद नहीं लिखा तो कम अज़ कम उस पर आप ये देख लें कि जो मीनिंग्स हैं इंग्लिश के वर्ड के वो सही होने चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद जो मेन बात है, पिक्चर के बाद, स्पेलिंग एरर के बाद और ऑब्जेक्टिव की बाद, हॉबीज़ एंड पे हम अपनी हॉबीज़ लिखते हैं। तो वहाँ भी आपसे बड़े अदब से गुजारिश है जनाब, आपकी कोई हॉबी नहीं है तो उसे मत लिखें। अमूमन लिखा होता है क्रिकेट, ट्रैवलिंग, बुक रीडिंग, ये जनरल, मैंने भी बड़ी सारी अपनी लाइफ में CVs में आई हैं, देखी हैं, तो ये जनरल लिखा होता है। देखिए अगर आपने अपनी आप बुक रीडिंग नहीं करते तो क्यों लिख देते हैं बुक रीडिंग। बुक रीडिंग लिखेंगे तो वो पहला क्वेश्चन अगर उसने कर लिया इंटरव्यू में कि जनाब बताएं अपनी सिलेबस की इस्लामिक बुक्स छोड़ के, सिलेबस और इस्लामिक बुक छोड़ के आखिरी बुक कौन सी पढ़ी थी,
मोरल डाउन हो गया ना, कोई भी नहीं पढ़ी होगी क्योंकि बुक रीडर है नहीं आप। फिर हम वहाँ अवॉइड करते हैं या फिर उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। कवर करने की कोशिश क्या करते हैं, बड़े बड़े एड्स आ रहे होते हैं सोशल मीडिया पे बुक्स के, तो पॉपुलर बुक्स का नाम ले लेते हैं फटाफट जान छुड़ाने के लिए। जी मैंने पढ़ रखी है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, 1 मिनट मैनेजर, एटॉमिक हैबिट, रिच डैड पुअर डैड, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इस तरह की चीज़ें। तो वो फिर पूछेगा अच्छा बताएं लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसने लिखी है, पता कोई नहीं। खुदा न खास्ता अगर आपको राइटर का पता भी हुआ तो अगला सवाल होगा अच्छा उसमें से कोई एक लाइन तो बताएं। फिर इसी तरह अगर आप कहते हैं ट्रैवलिंग मेरी हॉबी है, तो जो क्वेश्चन आएगा उस लाहौर, इस्लामाबाद, मरी, कराची, फैसलाबाद, गुजरांवाला छोड़ के कहाँ गए हैं, तो आप खुद ही अभी इसका क्वेश्चन को आंसर कर लेना, कहाँ गए हैं आप और कितनी दफ़ा गए हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना, जो सच है वो लिखें। जितना सच लिखेंगे उतना ही आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा और इंटरव्यू के दौरान आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी रहेगी। मुझे उम्मीद है कि ये 6-7 चीज़ें मैंने जो बताई हैं ये आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी और प्रोफेशनल्स के लिए भी बहुत काम की हैं। कल हम CV का फॉर्मेट देखेंगे और फॉर्मेट को मैं अपलोड भी कर दूंगा, जिसका मैं लिंक नीचे शेयर कर रहा हूँ, फेसबुक चैनल का और इंस्टा का। थैंक यू सो मच।